इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। सच्चाई का यार टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने ले, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। हर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, औलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 निर्विघ्नम गुरु महोदय सर्व कार्य सर। हेलो करन द डिटेक्टिव है। करन साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम करीम है और मैं अल अहमद का मेंबर हूँ। अल अहमद आतंकवादी गिरोह? करण साहब हमारे देश की सुरक्षा और शांति खतरे में है। करण साहब आप मुझसे मिलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मेरा पता है हाउस नंबर 13 प्लॉट नंबर 69 टाउन हॉल। हेलो हेलो करीम, हेलो लेट्स गो। या खुदा हो सके तो मेरे गुनाह बख्श दे। आज मेरे ही बनाए हुए एक बॉम्ब ने मेरी बहन की जान ले ली। जिस आग से मैं इस मुल्क को जलाने के लिए निकला था, तकदीर का एक झोंका आया और उस आग ने मेरे ही आशियाने को राख के ढेर में बदल दिया। मैं भूल गया था कि मेरा घर इसी मुल्क में है और ये मुल्क मेरा ही घर है और तूने ही इसे बख्शा है मुझे मेरे खुदा। मैं प्रायश्चित करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हौसला दे, हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम करीम। चीफ आप अफसोस करने चले आए करीम, सुना कि आज के बॉम्ब ब्लास्ट में तुम्हारी बहन की मौत हो गई। चलो अच्छा, वैसे भी रिश्ते इंसान को कमजोर कर देते हैं। हमने जब जिहाद की कमान संभाली थी तो अपने इन्हीं हाथों से अपने बीवी बच्चों को खत्म कर दिया था। सुना है कि तुम हमारा साथ छोड़ रहे हो? हाँ, मेरी आंखें खुल गई चीफ, मैं सब समझ गया। आतंकवादियों का साथ देकर मैं अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, अपने देश को खोखला कर रहा हूँ और यही गलती आप कर रहे हैं चीफ। ये मुल्क के साथ गद्दारी है। ये हमारा मुल्क नहीं है करीम, हम यहाँ सिर्फ जिहादी है और जिहाद ही हमारा ईमान है। नहीं, ये जिहाद नहीं है चीफ, दुश्मन मुल्क के इशारे पर अपने देश को खोखला करने की साजिश है।
मैं गुनाह अजीम में आपका साथ नहीं दे सकता। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो इसका मतलब यह होगा कि अपने मजहब और अपने कौम के साथ गद्दारी। आप जो भी समझो चीफ, ये मुल्क मेरा मुल्क है, मैं इसके साथ और गद्दारी नहीं कर सकता। गुनाह अजीम हुआ है मुझसे, अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मैंने अपनी मरती हुई बहन से वादा किया है, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। करीम, तुम शायद भूल गए कि जो कदम हमारे साथ जिहाद की राह पर नहीं चलते, हम उन्हें काट कर फेंक देते हैं। और आज अगर हमने तुम्हें बख्श दिया तो हम उस काम को कभी अंजाम नहीं दे सकेंगे जो इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। Oh my God. सर, इसे तो मार दिया गया। इसी के कानों ने पहले ही वो बात सुन ली जो करीम हमें कहने वाला था। इससे पहले कि कानून के कदम यहां पहुंचे, किसी के हाथ पहुंच गए। सर, इस पे शांति पर अशांति का प्रहार, ऐसा प्रहार होगा कि पूरा देश रोएगा। 26 जनवरी का जश्न मातम में बदल जाएगा, देश की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। सर, ऐसा क्या होने वाला है 26 जनवरी को कि पूरा देश रोएगा? ये पता लगाना बहुत जरूरी है मानिका। आज आज 24 तारीख है, 26 जनवरी। बैठक फोन करो। यस सर। 26 जनवरी को जो कुछ भी होने वाला है हमें उसे रोकना होगा। मरो, अब हमें हमारे इरादों में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम इस काम को अंजाम देकर रहेंगे और अगर हमारा प्लान पूरा हुआ तो हमारा नाम इतिहास में सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा। समी भाई, ये कारनामा जख्मी भारत के सीने पर छिड़का जाने वाला वो नमक होगा जिसकी चलन से पूरा भारत कर्रा उठेगा। और हमारे निशाने पर सिर्फ वही लोग होंगे जिनके जरिए ये मुल्क दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर बेवकूफ बनाते हुए खुद नंबर वन बनना चाहता है। हमारे तरफ से हमले बार बार होते रहेंगे। पूरी दुनिया में इंडियन इंटेलिजेंसी का नाम है, लेकिन इस बार वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हमारा अगला प्लान क्या होगा। मगर चीफ, इस कारनामे को हम अंजाम कैसे दें? पुलिस डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को खरीदना होगा जो अपने डिपार्टमेंट में ऑनेस्ट हो और उस पर किसी का शक भी ना हो। मगर ऐसा आदमी कौन है चीफ? DSP प्रणव सक्सेना, पुलिस प्रोटेक्शन टीम में वो भी शामिल है। हमें उसे अपने काम करने के लिए मजबूर करना होगा। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी नई नवेली बीवी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अस्सलाम वालेकुम प्रणव सक्सेना।
भाई आपके लिए एक मशवरा है, अल्लाह के वास्ते पुलिस स्टेशन की तरफ रुख मत कीजिएगा, वरना आपकी प्यारी प्यारी बीवी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। कौन बोल रहे? बोल कौन रहे हो तुम? वही जिसने आपकी बीवी को उठवाने की गुस्ताखी की है। तुम शायद नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। अच्छी तरह से जानता हूँ डीएसपी प्रणव सक्सेना, दूध की तरह उबल रहे, खून पे पानी के छींटे मारो और मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। तुम्हारी प्यारी प्यारी सी बीवी हमारे पास बिल्कुल हिफाजत से है। क्या चाहते हो तुम? अब हाल फिलहाल इतना करो, एक बार दीदार का मौका तो दो, मगर तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। गुरुद्वारा चौक के पास खड़ी गाड़ी में चुपचाप बैठ जाओ, हमारे आदमी तुम्हें हमारे पास ले आएंगे। अगर तुम्हारे कदम पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़े तो हमारे कानून से भी लंबे हाथ उस रिवॉल्वर की तरफ बढ़ जाएंगे जो इस वक्त तुम्हारी बीवी के सर से लगा हुआ है। अब ये आतंकवादी किस घटना को अंजाम देने वाले हैं? तुम्हें क्या लगता है क्या करने वाले हैं? सर वही जो उसमें लिखा था, शांति पर अशांति का प्रहार, पूरा देश रोएगा। शांति पर अशांति का प्रहार, पूरा देश रोएगा। अनिका, हमारे देश में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो शांति के दूत हैं, मदर नैंसी, गुरु रामदेव। ये लोग आतंकवाद की हिंसा के खिलाफ अहिंसा को हथियार बना देश के न जाने कितने नौजवानों को इन्होंने सही रास्ता दिखाया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, सिर्फ अमन और शांति के प्रतीक हैं ये लोग। आखिर अगर इन्हें कुछ हो गया तो पूरा देश रोएगा। करीम के उस पैड पर लिखा था कि अब उनकी नजर हमारे देश की इकोनॉमी पर, हमारे देश की आर्थिक नीतियां बदल रही है, बाहर के देश के कई उद्योगपति हमारे देश में आकर पैसा लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी नजर हमारे देश के किसी अर्थशास्त्री पर हो? शास्त्री सर, याद आया, मोहन स्वरूप जी ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी को वो कुछ ऐसी आर्थिक नीति हमारे देश के सामने रखने वाले हैं जिससे हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा आर्थिक सुधार आएगा। 26 जनवरी को ये लोग हमेशा कोई ना कोई आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। मेरे दिमाग में जो घंटी है ना वो फिर से बज रही है। मुझे लगता है कि इन तीनों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर है। जयंत करो साहब। जयंत जयंत राठी, 26 जनवरी को मदर नैंसी, गुरु रामदेव और मोहन स्वरूप जी का प्रोग्राम क्या है, कहाँ होंगे बोलो? सर ये तीनों के तीनों तो गांधी गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हैं, जहाँ से सीधे ये 26 जनवरी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाएंगे। तीनों के तीनों एक साथ एक ही गेस्ट हाउस में, इसका मतलब यह है कि ये गेस्ट हाउस आतंकवादियों के निशाने पर है। लेकिन करण साहब, गांधी गेस्ट हाउस में तो सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है। उन्होंने सिक्योरिटी तोड़ने का प्लान जरूर बनाया होगा राठी। राठी ये तीनों हमारे देश के ऐसे अनमोल हीरे हैं कि अगर इन्हें कुछ हो गया वाकई पूरा देश आंसू बहाएगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तुम मुझे पहचान ही गए हो तो ये भी जान गए हो कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है। सुधा कहां है? जावेद, सुधा, सुधा छोड़ दो मुझे। क्या चाहते हो तुम? मुझे पता है कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा।
कैसा काम? तुम पुलिस वालों ने पुलिस प्रोटेक्शन इस कदर बढ़ा दी है कि हमारी मुश्किलें बढ़ चुकी है। हम तुमसे चाहते हैं कि हमारी मुश्किलें थोड़ी आसान कर दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? साफ साफ कहो। तुम्हारे भारत सरकार को चोट देना चाहते हैं, वो भी 26 जनवरी के मौके पे। छब्बीस जनवरी के दिन गांधी गेस्ट हाउस के बाहर पुलिस का इस कदर प्रोटेक्शन है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम गांधी गेस्ट हाउस के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज, तुम्हें हमारे लिए वहां हथियार पहुंचाना होगा। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। जावेद, अभी तक जिंदा है लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूं, मगर इस बात की खबर किसी को नहीं है। कमिश्नर साहब, आतंकवादी किसी बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करने वाले हैं। करीम की बातें और सारे सबूतों से पता चलता है कि 26 जनवरी को जब हमारे देश के तीन अनमोल नागरिक अतनैसी, गुरु रामदेव और मोहन स्वरूप जी गांधी गेस्ट हाउस में होंगे, आतंकवादी उस गेस्ट हाउस को अपना निशाना बनाएंगे। मगर उस गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है। सर, सिक्योरिटी तोड़ी जा सकती है। हो सकता है कि सिक्योरिटी तोड़ने वाला आप ही कभी याद। मेरे एक बात होता है, वो इस काम को अंजाम देने की पूरी तैयारी में है। अगर वो इस हादसे को कामयाब करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। सर, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इस घटना को किस तरह से अंजाम देने वाले हैं, उनका प्लान क्या है। वो प्लान मैं आपको बताता हूँ सर। डीएसपी प्रणब सक्सेना, तुम उनके प्लान के बारे में कैसे जानते हो? सर, अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए वो लोग मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ सर, और उन लोगों ने मेरी पत्नी सुधा को किडनैप कर लिया। उन लोगों ने मेरे सामने एक शर्त रखी, वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके हथियार गांधी गेस्ट हाउस तक पहुंचाऊं ताकि उनके आदमी उन हथियारों को इस्तेमाल कर सके। वेरी स्मार्ट। तो उन्होंने पुलिस सिक्योरिटी को भेजने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को ही मोहरा बना लिया। सर, मैं अपने देश और अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और अपना फर्ज निभाने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दे सकता। तुम जैसे पुलिस ऑफिसर, तुमने उन्हें क्या कहा? सर, मैंने उनसे कहा कि मैं उनका काम करूंगा। बिल्कुल सही किया था। अगर तुम मना कर देते फिर वो किसी और पुलिस ऑफिसर को मोहरा बनाकर अपना काम करवा। सही कहा आपने सर। मैंने उनसे कहा कि मैं उनका काम करने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने सोचा कि मैं उनके सामने झुक गया। उन्हें इसी गलत फहमी में रहने दो प्रणाम। करते जाओ वो कहते हैं, करते जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी बीवी को मारेंगे। करण, खुल के बोलो, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? आतंकवादी ये चाहते हैं कि प्रणव को हथियारों को गेस्ट हाउस में पहुंचाए, तो ये वही करेगा जो वो चाहते हैं। हथियारों को गेस्ट हाउस में जरूर पहुंचाएगा। गेस्ट हाउस के अंदर हमारे आदमियों की नजर होगी उन हथियारों। जैसे ही कोई उन हथियारों को हाथ लगाएगा हमारे आदमियों से, और प्रणव, तुम उन आतंकवादियों के साथ एक शर्त रखो कि 26 जनवरी को काम हो जाने के बाद तुम्हारी बीवी को छोड़ दें। गुड आइडिया। इस तरह से उनके नापाक इरादे नाकामयाब हो जाएंगे और प्रणव की बीवी की जान भी बच जाएगी। एक बात, इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए कि तुमने किसी से बात की है। उन्हें बस यही समझने दो कि हिंदुस्तानी कानून के रखवाले ने अपनी पत्नी के मुंह में अपने देश को पेश दिया। कहो जावेद और असर, क्या खबर लाया? डीएसपी प्रणव यहां से सीधे पुलिस हेडक्वार्टर गया था, और वो जब बाहर आया तो काफी रिलैक्स था। वेरी गुड, अब ये बात तो पक्की है
कि उसने हमारा सारा प्लान पुलिस हेडक्वार्टर्स को बता दिया होगा कि हम उसके जरिए हथियार गेस्ट हाउस में पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, मगर आप खुश क्यों हो रहे हैं? यही तो हमारा प्लान था जावेद। हमें पता था कि वो अपने फर्ज के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। वो अपने सीनियर्स को जरूर बताएगा। क्या मतलब सर? दरअसल मैं ये खबर खुद ही पुलिस तक पहुंचाना चाहता था। पुलिस डिपार्टमेंट और करण द डिटेक्टिव धोखे में रहे, ये सोचते रहे कि इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे रोका जाए। हमारी प्लानिंग तो कुछ और ही थी, जिसके तहत हम इस हादसे को अंजाम देने वाले हैं। और अब अनजाने में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हमारी मदद करेगा, और जब उन्हें हमारा रियल प्लान पता चलेगा तब काफी देर हो चुकी होगी। सबकी आंखों में आंसू होंगे, हर तरफ मातम ही मातम होगा, मातम ही मातम। क्या है इन आतंकवादियों की असली साजिश? क्यों मारना चाहते हैं अधर्म के प्रतीकों को? क्यों फैलाना चाहते हैं अशांति शांति प्रिय देश में? देखना कैसे रुलाता हूं मैं उनको जो भारत मां के आंसू बहाना चाहते हैं। कैसे मचाता हूं आतंक उन आतंकवादियों की जिंदगी, जरूर देखिएगा डेनियर वन का नंबर वन अवार्ड विनिंग शो करण द डिटेक्टिव। लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। इसलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करम 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। हर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो सालिमों को माफ। करम 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 Did you check?